एक तरफ जहां लोग बेटियों को घर में रखकर घर का कामकाज कराने की सोच रखते हैं, तो वहीं देश की बिटिया मैदान में उतरकर भारत का नाम रोशन कर रही है। यही नहीं, देश के लिए भारत की बेटियां गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विदेशों में अपने देश का लोहा मनवा चुकी हैं, जिसे देखकर अपने लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। पेश है एक खास रिपोर्ट जो कि उत्तराखंड की ही एक लड़की के बारे में है। उत्तराखंड के काशीपुर में रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉक्सर प्रियंका चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रियंका चौधरी देश की ही नहीं, विदेशों में भी विदेशी खिलाड़ियों के सामने अपने नाम का लोहा मनवा चुकी हैं। दर्जनों मेडल जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुकी हैं प्रियंका चौधरी। लंबे समय से खेल में मेडल जीतने के बाद प्रियंका चौधरी अब विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। प्रियंका चौधरी की शादी हरियाणा के भिवानी निवासी मेजर जेपी लामा के पुत्र एडवोकेट संदीप लामा से 8 जून को होगी। बता दें कि प्रियंका चौधरी काशीपुर की मूल रूप से निवासी हैं और भारतीय रेल में कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात हैं। प्रियंका चौधरी 4 बार नेशनल चैंपियन रही हैं, जिन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला बॉक्सर का भी खिताब मिल चुका है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति लोगों की सोच अब बदलने की जरूरत है। आज की बेटियों को खेल के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़कर अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम रोशन कर सके। इंजॉय चल रहा है, 3-4 दिन से हम रोज पूरा डांस वगैरह वगैरह और ये जो फॉर्मेलिटीज होती है, हल्दी मेहंदी, ये सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोस्त भी आए हैं, कई पहली बार भी आए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है शादी में। जब हमारे पीछे इंडिया लिखा होता है तो एक अलग ही जुनून होता है कि भाई हमें अपने देश के लिए मेडल लेना है। तो अगर हम रिंग में अगर हम थक भी रहे होते तो वो याद रहता है कि हम देश को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें हारना नहीं है, हमें मेडल लेना ही है, कैसे भी करके ये बाउट जीतनी है। तो वो फीलिंग अलग होती है कि अपने पीछे इंडिया लिखा है तो हमें हारना नहीं है बाहर कंट्री से। तो अब मेडल आता है तो बहुत अच्छा लगता है, देश का नाम रोशन होता है और अपने घर वालों का काफ़ी अच्छा लगता है। और 60 kg में खेलती हूँ, जो कि ओलंपिक वेट है। आगे अभी शायद हमारी प्रो बॉक्सिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो चांसेस हैं उसके जुलाई अगस्त में स्टार्ट होने के, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी प्रिपरेशन चली रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, देखते हैं आगे। कौन कौन से मेन जो आपके? मेरा एशियन में मेरे मेडल हैं 2, ब्रॉन्ज, और वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने खेली है 2 बार। एशियन में चैंपियनशिप में एक था कि भाई क्वार्टर फाइनल बाउट थी और वो बिल्कुल लास्ट राउंड में अटक गई थी, फिर मुझे एकदम मतलब ऐसा हुआ कि नहीं ये तो मुझे जीतना ही है, मेडल बाउट है। तो काफ़ी बाहर से भी मोटिवेशन आ रहा था कि नहीं भाई मेडल बाउट है, चलो फिर, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो बाउट मैंने जीती तो अच्छा लगा कि भाई मेडल टैली में आए हम, तो इंडिया के लिए मेडल लिया। शादी के बाद क्या रहेगा? शादी के बाद कंटिन्यू गेम चलेगा, तो शादी के बाद ऐसा नहीं है कि भाई अब घर पे ही रहना है और घर के काम करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मेरे ससुराल से बहुत सपोर्ट है मुझे कि आप कंटिन्यू अपना गेम करें, ऐसा नहीं है कि भाई दुल्हन बन गए अब मतलब बहू बन के आपको घर पे काम करना है, आपको स्पोर्ट्स पर्सन की तरह रहना है, अपना गेम खेलना है। वैसे रेलवे को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल में, और मैं 51 kg में खेलती हूँ अभी। अभी मैं नेशनल में मेडल है मेरे, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है, और अभी मैं इंडिया कैंप में ट्रेनिंग ले रही हूँ। अभी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी शादी अटेंड करके जाएंगे, उसके बाद ट्रायल्स वगैरह है, उसके लिए तैयारी चल रही है। किस तरह से आज यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरे सीनियर हैं, ये मतलब मुझे गेम में बहुत मोटिवेट करते हैं। कभी मतलब कुछ गेम में ऊपर नीचे होता है, डेमोलाइज होते हैं, तो ये लोग मतलब काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं। और ये मेरे रूममेट भी हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से मतलब लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं सब इनसे ही सीख रहे हैं। खेल खेल परिवार को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, बस मतलब एक सोच है ये कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। जब घर से बाहर निकालोगे तो वो भी लड़कों से कहीं कम नहीं है। अभी
हर फील्ड में लड़कियां सबसे ज़्यादा आगे निकल रही हैं हर फील्ड में, तो जब हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें और उनको भी अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करें। 81 प्लस वेट कैटेगरी में खेलती हूँ और रेलवे को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, और मैंने 4 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ मैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने काफ़ी खेला हुआ है, जिसमें मैं 2 टाइम एशियन चैम्पियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन पार्टिसिपेट हूँ, और अभी हाल ही में मैं थाईलैंड एशियन चैम्पियनशिप रिप्रेजेंट करके आई हूँ। अभी हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो उसी की तैयारी चल रही है दिल्ली में, और हमारे विदेशी कोच भी हैं और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हमको दी गई हैं। मैं बहुत ही खुशी होती है जब हम इंडिया के लिए मेडल जीत कर लाते हैं, और एक अलग ही मज़ा है अपने देश के लिए मेडल जीतना, तो हम काफ़ी खुशी महसूस होती है और घर वाले भी और हमारे साथी भी काफ़ी खुश होते हैं। शुक्रिया काशिप। प्रियंका मेरी अच्छी दोस्त है। शादी के पर्पस में? हाँ, अभी तो हम शादी एंजॉय करने आए हैं, तो हमें अभी कैंप से 2-3 दिन की छुट्टी मिली है, फिर हम जाकर कैंप ज्वाइन करेंगे और फिर हमारे ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव उत्तराखंड के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।